الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل أو كما قال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد إذ خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثناء کہ جس خالق و مالک نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تبا دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے اوندا کوئی شریک نہیں اور رب وحدہ لا شریک ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات مقتدی سیدنا محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते मुकद्दसा मुतहरा आला बाला थे मेरी तुहाडी तरफों बेशुमार दुरूद सलाम दियां बारशाहों। अजीज दोस्तों बुजुर्गो भाइयो पर्दे अंदर समात फरमान वाली मुअज्जजात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओ बहनों अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी अजीम बबरकत किताब दे विचों एक मकाम सूरा इनाम और आया नंबर 10 सहाबा दे सामने पढ़िए। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इस आयत पाक अंदर अपने महबूब नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुरमत दा तज़किरा फरमाया है। और ऐसे बदनसीब ते बदबخت लोग जो अंबिया दी तोहीन करदे ने बिलखसूस मेरे तुहाडे महबूब नबी नबियां दे सरदार नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तोहीन करदे ने आप अली सलातु वसलाम दी गुस्ताखी करदे ने। अल्लाह मलिकुल अलाम ने इस मकाम दे अंदर उन्हां लोगां नूं मूंह तोड़ जवाब दित्ता है कि तुहाडी कोई हसीयत नहीं तुहाडा कोई मकाम नहीं कि तुसी मेरे महबूब नबी दी गुस्ताखी करो बल्कि अल्लाह मलिकुल अलाम ने मेरे तुहाडे महबूब नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत शान मकाम नूं इतना बुलंद कर दिता है कि आप अली सलातु वसलाम दी गुस्ताखी करन वाले आप दे दुश्मन ओ बे नामो निशान हो सकते ने ओ जलीलो खार हो सकते ने ओ तबाओ बर्बाद हो जाएंगे और होंगे लेकिन पाक नबी दी जाते पाक और आप दा नाम अज भी जिंदा है ता कयामत जिंदा ही रहेगा। बल्कि ये ते पुरानी रवश आ रही है इन्हां दे जिहड़े वड्डे सन ना मुशरकीन मक्का जो तुसी इंडिया दे अंदर बीजेपी दे रुकन एक औरत गलीज किस्म दी कुतिया औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तोहीन कीती है और इस तो पहले भी इंडिया दे अंदर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तोहीन कीती गई किते डेनमार्क दे अंदर किते आयरलैंड दे अंदर किते फ्रांस दे अंदर इने दुश्मनाने इस्लाम पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम दी गुस्ताखी करदे ने। बल्कि डेनमार्क दे अंदर जिस जालिम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खाके शाया कीते आप दी तोहीन कीती तुसी देखे है सोशल मीडिया दे अंदर ऐ पिछले साल 2021 दे अंदर ए अपने घर अंदर जालम सुता है घर नूं अग लग गई ए सुतियां सुतियां ही मेरे रब ने नबी पाक दे गुस्ताख नूं जला के राख कर दिते है। उंदी वजह पता की है रब्बुल आलमीन सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बजाते खुदा मुहाफिज़ है जिंदा मुहाफज रब होए और सारा जग टिल लाल है उंदा एक बाल भी बींगा नहीं हो सकदा। फिर बात जो सरकार दी होए बात कायनात दे सरदार नबी दी होए इन्हां दे जिहड़े वड्डे सन ना इन्हां दे बाप दादा मुशरकीने मक्का जो आप अली सलातो व सलाम का बेटा फौत होए ना बेटा ते इन्होंने सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कलबी तकलीफ दी जिस्मानी भी दीती है जहनी ते कलबी तकलीफ दीती और की इन्होंने मशहूर कर दिता मक्के दे बाजार अंदर के अल अयाज़ु बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बेटा फौत हो गया है इंदी तबलीग कित्थों तक होएगी बेटा है कोई नहीं ते नस्ल चलदी है बेटियां नाल बेटा फौत हो गया है ते इंदा नाम खत्म हो जाएगा अल अयाज़ु बिल्ला ए अबतर हो गया है नाम खत्म हो जाएगा। जिदो इन्हां जालिमां ने यह बातां कीतियां ना मेरे रब ने अरश ते अपने महबूब नबी नूं तसल्ली दे छड़ियां ने। सुने तुसी परेशान क्यों हुंदे हो तुहानू परेशान होण दी जरूरत ही नहीं तुहाडा अरश वाला रब जिंदा है ते हमेशा तो हमेशा ही जिंदा रहेगा। इन्हां जालिमां दा मुकाबला मैं रब करांगा
मेरे रब ने फिर कुरान की एक सूरा नादल कर दी, उन्हां दी मां ही मार छड़ी है गुस्ताखां दी। अल्लाह पाक ने सूरा नादल फरमाई ते अल्लाह फरमांदे ने सोणिया ये कह रहे ने तुहाडा नाम मिट जाना है, तुहाडी औलाद कोई नहीं ते नसल चलदी है औलाद नाल ते तुहाडा नाम मिट जाएगा, तबलीग खत्म हो जाएगी। ते अल्लाह फरमांदे ने सोणिया मैं रब तुहानू इतनी रूहानी औलाद देंगा इन्हां दा नामो निशान मिट जाएगा, तुहाडा नाम ता कयामत जिंदा ही रहेगा। क्यों जी ये मौजू जाग के सुनने वाला है, सुस्त होके सुनने वाला नहीं। ए गोडे छोटे छड़े आज कोई अज मैनू सुता नजर ना आए, क्योंकि मैं सारे मेहनत परवाने मैनू अज कहना ना पवे कि फलाना सुता है, फलाने ने गोडे फड़े ने, ते ऐ काम नहीं होना चाहिए वीरो। अल्लाह तुहाडा आना कबूल करे, क्योंकि इत्थे आ मुसलमाना दा इम्तिहान होया। साडे पैगंबर की गुस्ताखी करने वालों ये पता नहीं कि साडे दिलों अंदर सरकार का इतना प्यार है और साडा सब कुछ जांदा है ते चला जाए, लेकिन साडे दिलां दे अंदर आमिना दे लाल दी मुहब्बत कोई नहीं निकाल सकदा इंशाअल्लाह। जदों इन्हां तौहीन कीती ना तौहीन इन्हां मुशरकी ने मक्का ने, ते रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ मेरे प्यारे महबूब नबी इन्ना आतैना कल कौसर, सोने मैं रब ने तनु खैरे कशीर अता फरमाई है, कशीर उम्मत अता फरमाई है, सोने रही बात तुहाडा की कम है, फसल्ले लरब्बी का वनहर अपने रब दी नमाज पढ़ दे रहे आज, कुर्बानी कर दे रहे आज, बंदगी अर्श वाले रब दी कर दे रहे आज। रही बात इन्हां दुश्मना दी ए जालम लोगां दी जेड़े तुहानू निशाना बनाना चाहुंदे ने, जेड़े तुहाडी तोहीन करना चाहते ने, अल्लाह फरमांदे ने मैं ता कयामत कुरान दे अंदर इन्हां दा ऐसा ऐलान कर रहा वा। फरमाया इन्ना शानिअका वल अबतर, महबूब सोनिया मैं तुहाडे गुस्ताखां दा नाम मिटा देंगा, इबरत दा निशान बना देंगा, इन्हां दा नाम लैण वाला कोई नहीं रहेगा। रही बात सोनिया तुहाडी, मैं रब ने तुहाडा नाम इन्ना उच्चा कर दिता है, सियालकोट वाले जरा एक्टिव हो जा, अपने अंदर ईमानी हरारत पैदा कर ले, मेरे तेरे मुस्तफा दा तज़किरा हो रहा है, इमामे कायनात दी अजमत ते शान दा तज़किरा हो रहा है। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया तुसी परेशान नहीं होना, मैं रब अपने कुरान अंदर ऐलान फरमा रहा वरफाना जिक्रा के, सोने मैं तुहाडा नाम बुलंद कर दिता है, तुहाडा जिक्र बुलंद कर दिता है, तुहाडी जात भी आला, तुहाडी बात भी आला, तुहाडा खानदान भी आला, तुहाडा हसब ते नसब भी आला। सोने मैं तुहाडी अजमत नो चार चन लगा देंगा, ए जेड़े तुहाडा नाम मिटाना चाहते ने इन्हां जालिमां नू पता नहीं का कयामत जब तक है। ए मुअज्जिन अजान कवेगा सोने पहले मेरी तो जिक्र है, फिर आमिना दे लाल दी अजमत दा तज़किरा, जिथे मुअज्जिन कह रहे है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उते मुअज्जिन ए भी करार करदा है अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, महबूब सोने ए मुअज्जिन अजान कवेगा पहले मेरी तो ईद दा जिक्र है, फिर तुहाडी अजमत दा तराना है, ए मुकब्बर तकबीर कवेगा पहले रब दा जिक्र फिर मुस्तफा दा जिक्र, सोने नमाज दे अंदर पहले रब दा जिक्र फिर मुस्तफा दा जिक्र, तशहुद दे अंदर पहले रब दा जिक्र फिर मुस्तफा दा जिक्र, दुरूद पाक अंदर पहले रब दा जिक्र फिर मुस्तफा दा जिक्र, कलमे
दे अंदर पहले रब की तौहीद का जिक्र फिर मुस्तफा की रिसालत का जिक्र कब्र के अंदर पहले रब के बारे सवाल होएगा मन रबो का फिर ये भी होएगा मन नबीओ का सोने कब्र के अंदर अल्लाह पाक की तौहीद का तज़किरा तुहाडी रिसालत का तज़किरा फ़ज़ामा के अंदर रब की तौहीद का जिक्र हमामा के अंदर रब का जिक्र सोने तुहाडी अजमत के तराने मशरक के अंदर रब नू मानने वाले तुहानू मानने वाले मगरब के अंदर अल्लाह की तौहीद नू मानने वाले पैगंबर की रिसालत नू मानने वाले शमालो जनूब के अंदर सोने जिते रब का जिक्र होएगा उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा बल्कि मैं आगे चलना चाहना मशरक के अंदर भी रब का जिक्र मगरब शमाल जनूब के अंदर जिथे जिथे रब का जिक्र उत्थे उत्थे मुस्तफा का जिक्र अरबियां दी ज़बान अंदर रब का जिक्र मुस्तफा का जिक्र अजमियां दी ज़बान अंदर रब का जिक्र मुस्तफा का जिक्र कुरान पाक अंदर रब की तौहीद का तज़किरा मुस्तफा की रिसालत का तज़किरा हदीस पाक अंदर रब्बे कायनात का जिक्र आमीना ते लाल का जिक्र और नूरिया दी ज़बान ते रब का जिक्र मुस्तफा का जिक्र महबूब सोनिया जिथे जिथे अर्श वाले रब की खुदाई का डंका बजदा होएगा मेरे आ सोनिया महबूबा उत्थे उत्थे तुहाडी मुस्तफाई का डंका बजदा होएगा ऐ तो हीन करन वाले ओ जालिमो तुहानू पता ही नहीं मेरे रब ने आमीना दे लाल नू जो अजमत अता फरमाई है खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा दो आलिम के रहबर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ए जालिम औरत पौकी ए कुतिया पौकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन करने वाली अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी तौहीन करने वाली ए कुरान पाक दा मकाम सुन लै इंशाल्लाह मैं जिंदे बारे पेशीन गोइयां कीतियां मेरे रब ने उंजी कीता ए कुतिया दे बारे अज मैं कह रहा देखे अज मेरा रब इहनूं किवें इबरत दी मौत दिंदा किवें जिल्लत दी मौत दिंदा क्योंकि इन्हें गुस्ताखी आमीना दे लाल दी की थी है और रब दा कुरान सच्चा है अल्लाह अपने कुरान अंदर ऐलान फरमा रहे ने वाला कदिस तो हजिया बे रसूल मिन कबलगा फहा कबिल्लजी नसखर फहा कबिल्लजी नसखर मिन मा कानो बे यस्तहजू अल्लाह फरमांदे ने जिन्ना लोगों ने रसूलों ते नबियां दी तौहीन कीती और जेड़े जुमले अल्लाह दे पाक नबियां दे बारे बोलन वाले मेरे रब ने उल्टा उन्हां नूं ही जलील कर दिता है जेड़े गुस्ताख नबियां दे जेड़े सोने पैगंबर दे गुस्ताख ने ओ जालिमो तुसी ईमान वालियां दा इम्तिहान देखना चाहते हो अल्लाह की कसम साडे ए दिल दुखदे ने और इहदे अंदर शक कोई नहीं मैं उतना अपने मां बाप नाल प्यार नहीं करदा आल औलाद नाल प्यार नहीं करदा ऐ जेड़े ईमान वाले बैठे ने ऐ मरकत मोहम्मदिया जना स्टेडियम दे अंदर मैं एक गल बरमला कहना चाहना वा ऐ पैगंबर दे गुलाम बैठे ने और साडे मां बाप पैगंबर कायनात दे कदमां तो वार दईए और दुनिया दी हर चीज सोने नबी दी मुहब्बत अंदर वार दईए बल्कि साडियां जाना भी पैगंबर दी मुहब्बत अंदर कुर्बान ने अल्लाह अकबर कबीरा मेरा रब कुरान अंदर ऐलान फरमा रहे है इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ईन महबूबा तुसी परेशान ना होया जे मैं रब जेड़े तुहाडे गुस्ताख ने तुहाडी तौहीन करन वाले इन्हां नू अर्श वाला रब आप ही पुछ लवेगा मैं रब इन्हां नाल आप ही निबलना तुसी परेशान नहीं होना मैं रब ने आप पकड़ लेना रब ने पकड़िया भी ता कियामत इन्हां जालिमां नूं मेरा रब पकड़ेगा मेरा रब पकड़ेगा भी
जिल्लत दी मौत देवेगा, जिल्लत दी मौत, क्योंकि अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा सूरा आजाब है, फरमाया इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फिद्दुनिया वल आखिरा व अअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना। अल्लाह फरमांदे ने बेशक वो लोग जेड़े अल्लाह दे उंदे रसूल नूं दुख दिंदे ने, तकलीफां दिंदे ने, अल्लाह फरमांदे ने उन्हां दा अंजाम की है, लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया अंदर भी उन्हां ते लानतां ने, आखरत वाले दिन भी वो मलून ही उठाए जाणगे। और अगे फरमाया वअअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना। अल्लाह फरमांदे ने रुसवा कुन जलील किस्म दा अजाब दे के इन्हां नूं कायनात दे सामने जलील कर देंगा। जेड़े मजाक करने वाले ने अज जालिम औरत बोलीए गंदी जबान दे अंदरों, लेकिन इन्हां नूं नहीं पता साडे नबी दा मकाम की है ते अहले ईमान किन्ना प्यार करन वाले। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नुवरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुक्तसर। और क्या साहब कमाल ने कैसी अकाशी की सोने, तुसी ते हुसीना दे हसीन हो और तुसी बशरीयत दे सरदार बनी आदम दे सरदार, तुहाडा चेहरा इंज चमकदा जिवें चौदहवीं रात का चन पिया चमकदा, चन ते सूरज भी मुकाबला नहीं कर सकता हुस्ने मुस्तफा दा। ला युमकिन सना कमा काना हकू, सोने तुहाडी अजमत इन्नी है कोई भी दुनिया दा माई दा लाल सोने पैगंबर दी अजमत बयान करन दा हक नहीं अदा कर सकदा। दिन गुजर जाए, रातां गुजर जाए, सालों साल गुजर जाए, लेकिन आमिना दे लाल दी अजमत खत्म नहीं हो सकती। मेरे पैगंबर दी इन्नी अजमत है सारा जग आमिना दे लाल दी अजमत बयान कर रहे है, और सियाल कोटी अर्श वाला रब बयान कर रहा है, जग बयान कर रहा है, अर्श वाला रब बयान कर रहा है, सरकार दा प्यार। हजरत उमर सन ना रजी अल्लाह तआला बुखारी अंदर जड़ा वाक्य है ना, नबी पाक सलम ने हाथ फड़िया ते प्यार मुहब्बत दियां गल्लां है ना, ते हाथ फड़िया ते जनाबे उमर दी मुहब्बत बोली आंदा सोणिया मैनू तुहाडे नाल अपनी जान तो अलावा कायनात दी हर चीज तो ज्यादा प्यार है, जान तो अलावा कायनात दी हर चीज तो ज्यादा प्यार है। ते मेरे आका फरमांदे ने उमर मैनू उस जात दी कसम है जिस अल्लाह दे कब्जा दे अंदर मैं आमिना दे लाल दी जान है। बंदा उन्नी देर तक उंदा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो मेरी जात नाल अपनी जान तो भी ज्यादा प्यार ना करे। वाह उमर मैं तेरिया मुहब्बतों तो कुर्बान जावा, सियाल कोटिया कर प्यार ऐसे लीडर दे नाल जिस लीडर ने कयामत वाले दिन अपनी उम्मत नु बख्शवाना है। कर प्यार अपने नबी दे नाल और प्यार करन दा अदा कर दे जिवें पैगंबर दे यारां प्यार कीता है। और सोने जदों कोई नहीं बोलेगा उत्थे आमिना दा लाल बोलेगा, अपनी उम्मत दे हक अंदर बोलेगा। आमिना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर उन्नी देर तक कोई मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मेरी जात नूं अपनी जान तो भी मुकद्दम न करे। जनाबे उमर फरमांदे ने सोणिया फिर तुसी गवाह बन जाओ, सोचिया नहीं समझिया नहीं देर नहीं लगाई, सोणिया अगर मेरा ईमान ना मुकम्मल है आका तुसी गवाह बन जाओ, अज तो बाद मैं उमर नूं अपनी जान तो भी ज्यादा अगर कोई अजीज हस्ती है ते आमिना दे लाल मोहम्मद दी हस्ती है। सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम सोने ओ करो प्यार उस नबी दे नाल और गुस्ताखा दा अंजाम बड़ा प्यार करन वाले दा मकाम बड़ा फिर क्यों ना मैं मुहब्बत दा तराना गावां ओ दिल नबी दे प्यार कोलो राजदाई नहीं सोना ए खोजे जागे विच लभदाई नहीं और सरकार जैसा जागे चो आ सकता है ओ किवें लब्बे रब ने एवें दा बनाया ही कोई नहीं रब ने आप जैसा बनाया ही कोई नहीं दिल नबी दे प्यार कोलो ये तुहानू पता होना चाहिए सरकार दी मदा दे अंदर हजरत हसान बिन साबत बोले ते सरकार ने फरमाया हसान जब तक मेरी तारीफ करदा रहेगा रब दे फरिश्ते तेरी मदद करदे ही रहेंगे सरकार दी शान सुनना भी इबादत है इबादत बल्कि एक सहाबी ने ना नबी पाक सलम दी तारीफ की अशआर पढ़े आप दे कोलो कोई नगदी ते है नहीं सी नबी पाक सलम ने अपनी मुंदरी उतार के जेड़ा सरकार दी शान बयान कर रहा सी उन्हें इनाम दे तौर ते दे छड़े उन्हें तो यह ना समझा कि मैं ही नाम मंगना चाहना वा मैं गल दसी है कि सरकार की इन्नी अजमत है कि हुजूर खुश होंदे ने दिल नबी दे प्यार कोलो राजदाई नहीं सोना एहो जे जागे विच लभदाई नहीं सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं आया रब दा निजाम सोने पढ़िया कुरान आया रब दा निजाम सोने पढ़िया कुरान पाई कुफर नू लगाम हल सकदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं सोना एहो जे जागे विच लभदा ही नहीं लखां सलाम ते दुरूद ऊपर नबी दे वजूद लखा सलाम ते दुरूद ऊपर नबी दे वजूद बद बख्त ओ मरदूद जेड़ा पढ़दा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं सोना एहो जे जागी विच लभदा ही नहीं साडे दिलां सरकार दा इन्ना प्यार है दर हकीकत बात पता की है जेड़े गैर मुस्लिम ने ना जालम इस्लाम दे दुश्मन इन्हां कोल हुंदा ते कुछ है नहीं मुकाबला ते करन जोगे है कोई नहीं फिर इस तरह दियां गुस्ताखियां करके ना ते अपने दिल दी पड़ास ए निकालदे ने लेकिन इन्हां जालमां नूं ए नहीं पता कि अल्लाह पाक ने इस्लाम दे अंदर ऐसी लचक रखी है इहनूं जिवें दबाओगे मेरा रब उवें ही गलबा अता फरमाए अल इस्लाम यालू वला युला पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ सोनियो ऐ गैर मुस्लिम सुन लैन कन खोल के ओ कन टुटियो सुन लो इस्लाम नु अल्लाह पाक ने ए तकवीयत ते उरूज दिती है अल इस्लाम यालू वला युरा अ पूरी कायनात दा कुफर इकट्ठा होके ते दुश्मन बन जाओ लेकिन अल्लाह मालिकुल अलाम दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया इस्लाम غالب ہون واسطے آیا ہے اسلام باقی ادیان تے غالب ہون واسطے آیا ہے او باقی جتنے جھوٹے ادیان نے ختم ہو جان گے اسلام اج بھی زندہ باد ہے تا قیامت زندہ باد ہی رہے گا کہو انشاءاللہ زندہ باد ہی اسلام تے اسلام نو ماننے والے انشاءاللہ زندہ ہی رہے تے جدو مواحد دنیا تو ٹر گئے کائنات دا نظام ہی درہم برہم ہو جانا ہے پھر قیامت آ جانی ہے याद रखो इस्लाम ऐसा है ते जड़े तो इन करन वाले ऐ खाके शाया करन वाले ते तो इन करन वाले इन्हां दा अंजाम किया है और अबू दाऊद दे अंदर एक मैं रवायत पढ़ रहा सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नबीना से अभी नबीना
और नजर नहीं आ रहा। देखो नबीना ते सरकार दी मोहब्बत कितनी है। इन्हां दी ना इक लौंडी सी, लौंडी, और इन्हें नाल निकाह भी कीता सी, और इस दे अंदरों इस सहाबी दी औलाद भी सी, दो खूबसूरत बच्चे भी सन, बड़े सोहणे, और एक गुस्ताख सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदा बोलना, आप दी गुस्ताखी करना, ते ए नबीना सहाबी समझांदा सी भी इंज ना कर, ओ साडे सरकार ने, उन्हां दी गुस्ताखी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकदा। बिल आखरे औरत गुस्ताखी कर दी जा रही है, गुस्ताखियां कर दी जा रही है, इन बिना से अभी होया फिर की है। एक रात जालिम औरत बोल रही है, पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी कर दी जा रही है। जदों से अभी रसूल नु पता चले है, इन्होंने अपने हाथ अंदर लोहे की पर्ची पकड़ी है, ऐ देख मुहब्बत गुलामा ने मुस्तफा दी, देख मुहब्बत पैगंबर दे यारां दी, इसे अभी नु बर्दाश्त ना होया। बिल आखर चढ़ गया इनके सीने ते, बरसी इनके सीने ते रखी है, ते दबा दीती है, जोर लगाया ते आर ते पार कर छड़ी है। ए गुस्ताख कत्ल हो जांदी है, सुबह होई ते रौला पै गया, शोर पै गया, एक औरत नु कत्ल कर दिता गया है। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अदालत लग जांदी है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ने, और आका अली सलातो व सलाम ने ऐलान फरमाया, अल्लाह व रसूल हो अरशद अल्लाह रजुलन फअलमा फअला अली अलैहि हक्कन इल्ला कामा अकबर मंदे ने अरशद अल्लाह रजुलन फअलमा फअला अली अलैहि हक्कन इल्ला मा कामा अकबर मंदे ने। मैं उस आदमी नु अल्लाह दी कसम देना वा जिन्ने इस औरत नु कत्ल कीता है, ओ मेरा हक है ते ओ आदमी खड़ा हो जाए ताकि पता चल जाए कि कातल कौन इस औरत दा। इसे आबी रसूल नबीना सियाल कोटिया सी मुहब्बत रखना, ये नबीना मेरे पैगंबर दा यार है। ऐसे हाबा दिया गर्दना फलांगदा फलांगदा आमिना दे लाल दे कदमा ते आ जांदा, आके आंदा महबूब सोने आ, मैं अपनी बीवी नू कतल कीता, मैं इनू कतल कीता, आका फरमांदे ने तू क्यों इनू कतल कीता, सोने गल गुस्ताख सी, मैं इनू बारहा रोकता रहा वा, मेरे नबी की गुस्ताखी ना कर, लेकिन ये रुकती नहीं सी। हालांकि सोने इस दे बतन दे अंदर मेरे दो बड़े मोतियां जैसे खूबसूरत बेटे ने, आका हालांकि ये मेरा ते बड़ा ख्याल रखती सी, लेकिन ताड़ी गुस्ताखी सोने मेरे तो बर्दाश्त नहीं होया, मैं इनू कतल कर दिता है। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलावा उशहदु इन दमवा हदरुन, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा गवाह बन जाओ, मेरे परवानो गवाह हो जाओ, ए औरत अगर मेरी गुस्ताखी, मेरे इस परवाने ने इस औरत नु कतल कर दिता है, इस औरत दा खून राए गाए, इंदा कख भी मुल नहीं पवेगा, क्योंकि ए मेरी गुस्ताख है। हजरात हदीस तो पता की चले, जेड़ा पैगंबर दा गुस्ताख है वाजिबुल कतल है। लेकिन हुण मौजूदा दौर दे अंदर एक गल याद रखे आजे, असी मुल्के पाकिस्तान अंदर रहन वाले, अगर कोई ऐसा वाकया रूनमा हुंदा है, कोई आम आदमी उनू कतल नहीं करेगा। हकूमत दा काम है गुस्ताख नू कतल करे, हकूमत दा काम है उनू सजा देवे। अगर कोई आम आदमी एवें कतल करे ते एवें छोटियां छोटियां गल्लां ते कुफर दे फतवे लाओगे, ऐ अल्लाह दी जमीन ते खून रेजी होएगी, हर बात का कानून मौजूद है। मेरे दोस्तों जिदो परवाने ने अपनी बीवी नु कत्ल करके दसे है और ए पैगाम दिता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम। गुस्ताख की सजा है कि वाजिबुल कत्ल है। मेरे नबी की हदीस भी है ना, आपने फरमाया मन सब्बा नबीयन कुतिला, और जेड़ा किसे नबी का गुस्ताख है उसकी सजा ही कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। और बीबी अगर तू सरकार की गुस्ताखी की थी है तो बीबी फिर सोनी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा रब तेनू इबरत का निशान बनाएगा।
रब आप ही बदले लेंदा वरना खुसरू प्रवेश ही ना किसरा दे अंदर जिवें हुण बड़ी उहदी हुकूमत सी जिवें अमेरिका है अपने आप नूं बड़ा पाटे खा समझदा है और किसरा दे अंदर खुसरू प्रवेश ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत दिता है कि इस्लाम नु कबूल करो मैं अल्लाह दा सच्चा नबी हां ते आप अली सलाम ने खत दे ऊपर अपना पहले नाम लिखया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लिख के ते खुसरू परवेज़ दा नाम थल्ले लिखया कि तेरी तरफ खाते इनु गुस्सा आया लै मेरा नाम थल्ले ते ए सरकार दा नाम उत्ते चौधरी बिगड़िया सी इंदा नाम उत्ते अल आयाद बिलाह खत नु फाड़ दिंदा है ते दो बंदे तैयार किते के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु गिरफ्तार करके ले आंदा जाए हुणे दो बंदे चले किसरा तो मदीने आए सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मिले के जी असी खुसरू परवेज दी तरफों आए आ असी तुहानू गिरफ्तार करना चाहने आ सरकार ने चेहरा मोड़ लिया आपने फरमाया तुहाडी इस गल दा जवाब मैं कल देंगा इस गल दा जवाब बोलो कल देंगा कल बंदे खड़े ने गिरफ्तार करने वास्ते आए ने वेखो जरा ए गिरफ्तार करने वास्ते आए ने ते मेरे आका फरमांदे ने ओ मेनू गिरफ्तार करने वाले ओ जिन्ने तुहानू भेजे है मेरे रब ने उंदा काम तमाम कर दिता है उंदे पुत्र ने ओनू कतल कर दिता है जाओ उंदी लाश संभालो ओनू संभालो जिहड़ा मेरा गुस्ताख है मेरे रब ने ओनू पकड़ लिया अल्लाह अकबर कबीरा इन्ना गफीना कल मुस्ताहज़ीन मेरा रब आप ही पकड़ लेंदा गुस्ताखानो जिदे ए दो वापस मुड़े ने यमन दे अंदर पहुंचे ने ते बाजान है यमन दा वाली है खुसरू परवेज दे मातहत है जिदो इनू दस्या इना दोवां ने के सोने नबी ने इन्ने हजार किलोमीटर ते कह दिता है ओ तुहाडा जिहड़ा हुक्मरान है ओ मर गया है ओंदे बेटे ने ओनू कतल कर दिता है जिदो बाजान नू पता चलिया यमन दे वाली नू उत्थे ही कलमा पढ़दा है मुहम्मद दा गुलाम बन जांदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये ज़ालिम औरत नू पता लगना चाहिदा है और दोस्तों बुजुर्गो इन्हें गुस्ताखी कीती है मेरा ईमान कहंदा है इंडिया दे अंदर लोग कलमा पढ़नगे इनकी गुस्ताखी दी वजह तो जो सरकार दी अजमत दा पता तुसी नहीं वेख्या इंडिया दे अंदर भी एहतजाज होया बल्कि सऊदीया दे अंदर बड़ा एहतजाज होया अरब अमारात दे अंदर बड़ा एहतजाज जगह जगह ते होया बल्कि इंडिया दे जड़े गैर मुस्लिम है जड़े उत्थे काम करन वाले कई मालकां ने उन्हां नू नौकरी तो भी फारग कर दिता तुहाडे मुल्क दे अंदर अगर साडे नबी दी जात महफूज नहीं तुहाडा साडा ताल्लुक कोई भी नहीं और मेरे दोस्तों मुल्के पाकिस्तान अंदर रहन वाले हो कम अज कम साडे दिलां अंदर इत्थे बातां नहीं चाहीदी है जिहड़ा पैगंबर दा गुस्ताख है उहदा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं और मोदी जालम दा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं और जेड़ी कुतिया औरत है उन्हें पली जबान के अंदर सोने पैगंबर की गुस्ताखी की थी है मेरी तुहाडी रूहानी अम्मा जान की गुस्ताखी की थी है अल्लाह ऐ मेरी दुआ इस औरत नु इबरत का निशान बना दे जिथे जिथे दुनिया के अंदर सोने नबी दे गुस्ताख फिर रहे ने अल्लाह जिल्लत की मौत दे अल्लाह इन्हां दी कुत्ते की मौत दे के इन्हां नु मार ताकि पता चल जाए सोने नबी की जात अज भी जिंदाबाद है कल भी जिंदाबाद है अल्लाह अकबर कबीरा आओ ना मैं तुहानू गल एक होर सुना देवा मेरे पैगंबर दे गुस्ताखां दा यही हाल हुंदा है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने एक औरत है जिहड़ी इस्लाम दा मजाक भी उड़ांदी है इस्लाम दा मजाक उड़ान वाली नबी पाक दी गुस्ताखी करन वाली आका फरमांदे ने मेरे यारो कौन है जिहड़ा इस औरत नू कतल करेगा इस्लाम दी गुस्ताखी उन्हां दे कबीले दे विचों ना हजरत उमैर बिन अदी रजी अल्लाह ताला नबी दा यार है आंदा सुनया इस औरत नू मैं नहीं पढ़ना सुनया मैं नहीं पढ़ांगी मैं नहीं पढ़ांगा ये हजरत उमैर बिन अदी रजी अल्लाह ताला फरमांदे ने मैं जो गया पता करवाया इनके घर के अंदर रात नू जो मैं दाखिल होया इनके दाएं बाएं दे बच्चे भी लेटे ते एक बच्चा इस औरत की छाती नाल चिमड़िया यानी दुध पी रहा ते हजरत उमैर बिन अदी रजी अल्लाह ताला फरमांदे ने मैं बच्चे नू सैड ते कीता बच्चे नू अलहदा कीता इस औरत के सीने ते खंजर रखे ते आर पार कर दिता
जालिमे तो नबी पाक की गुस्ताखी करने वाली तेरा जिंदा रहन दा हक असल कोई नहीं। जो नबी पाक दे यार उमैर बिन अदी रजी अल्लाह तआला अनु ने इस जालिम औरत नु कतल कीता है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारां नु इकट्ठियां करके फरमाया ओ मेरे यारो ओ मेरे वफादारो क्या तुहाडे अंदर कोई बंदा ऐसे इंसान नु वेखना चाहुंदा है जिन्ने अल्लाह रोंदे रसूल दी खैबी मदद कीती है और कोई चाहुंदा है कि मैं ऐसे खुश नसीब नु वेखां जिन्ने अल्लाह ते उंदे रसूल दी खैबी मदद कीती है। सहाबा कहंदे ने सोने खुश नसीब कौन है आका फरमांदे ने ओ मेरे यार उमैर बिन अदी नु वेख लो इन्हें गुस्ताख औरत नु कतल करके मैं मुहम्मद दे सीने ठंड पा दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा दी कसम साढ़े असी अपनियां अदालतां दा एहतराम करने हैं अपने मुहाफ़िज़ इदारियां दा एहतराम करने हैं और सानू अपने मुल्क दी इज्जत अजीज़ है वरना अल्लाह दी कसम असी दूजा साह ना लैण दईए गुस्ताख औरत नूं। अल्लाह दे फ़ज़ल और रहमत दे नाल साढ़े अंदर ये ईमान मौजूद है ये तकवा मौजूद है वो मुसलमान ही कद है जिहड़ा सरकार दी मुहब्बत दे अंदर आउंदा ईमान ही जोश ना मारे गुस्ताखी मेरे आका दी अबुलाब कीती सी गुस्ताखी मेरे आका दी अबुलाब कीती सी जांदा जहान जेड़ी उंदे नाल बीती सी गुस्ताखी मेरे आका दी अबुलाब कीती सी जानदा जहान जेड़ी उंदे नाल बीती सी तबत यदा आखे कुरआन जेड़ा पढ़ेदा तबत यदा आखे कुरआन जेड़ा पढ़ेदा लानतां दा तौक पाके दुनिया तो मारेदा जेड़ा भी तोहीन मेरे आका दी है करेदा लानतां दा तौक पाके दुनिया तो मारेदा तौफीक दित्ती रब कुझ करके वखावांगे गुस्ताखा दिया नसला गुस्तफीक रब दिती इनशा अल्लाह करके दिखावांगे गुस्ताखा दिया इनशा अल्लाह नसला मुकावांगे तौफीक दिती रब कुझ करके वखावांगे गुस्ताखा दिया इनशा अल्लाह नसला मुकावांगे रब कोलो डरन वाला किसे तो नहीं डरेदा रब कोलो डरन वाला किसे तो नहीं डरेदा लानतां दा तौक पाके दुनिया तो मारेदा लानतां दा तौक पाके दुनिया तो मारेदा जेड़ा भी तोहीन मेरे आका दी है करेदा लानतां दा तौक पाके दुनिया तो मारेदा लानती मलऊन है जिहड़ा सरकार दा गुस्ताख है और अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने इज्जतां बख्शियां ने और रब्बुल आलमीन ने पैगंबरे कायनात दी अजमत नूं चार चन्न लगाए ने। बल्कि मैं हदीस दसां बुखारी दे अंदर नबी पाक सल्लम दा गुस्ताख अबू राफे इन्हें गज़वा अहज़ाब दे अंदर मुशरिकीन नाल माली तआमन भी कीता इस्लाम के खिलाफ ये पैसा भी खर्च करने वाला बड़ा माल ते बड़ा रईस कदम कदम ते नबी पाक दियां गुस्ताखियां करन वाला आप अली सलाम ने चंद अंसार से आपा दा दस्ता बनाया उन्हां दा अमीर मुकर्रर कीता है अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह तआला अनोनो ए हज्जाज दे अंदर एक बहुत बड़े किले दे अंदर रहंदा है। आका अली सलाम ने फरमाया इस जालिम नु कतल कर दिता जाए। अब्दुल्ला इब्ने अतीक ए छोटे जे काफले दा अमीर है और ए नबी दे गुस्ताख
वल जा रहे हैं। जो किले दे अंदर पहुंचे है बड़े अच्छे अंदाज दे नाल बड़ी तकनीक दे नाल किले अंदर दाखिल होए। किले दा रात नु दरवाजा बंद होन लगा है। अब्दुल्ला इब्ने अतीक ने अपने यारां नु पीछे बिठाया है। किले दे दरवाजे अंदर इस तरह बह गया जिवें कोई बंदा कदाए हाजत वास्ते बैठा है। ए किले दा दरबान जदों किले दा दरवाजा बंद करन लगे है ए दरबान आवाज लाउंदा है आ जा अगर अंदर आना ही मैं दरवाजा बंद करन वाला। नबी दा यार इन्हें अपने मुंह ते साफ वल लेटे है। जल्दी जल्दी किले अंदर दाखिल होया। दरबान ने एक जगह ते चाबियां लटका दितियां ने। नबी दे यार ने चाबियां पकड़ियां। जदों सारे सौ जांदे ने किले दा दरवाजा खोले है। दूजे अपने सहाबा नूं भी अंदर दाखिल कीता। हुण पता चले है ए अबू राफे जिहड़ा गुस्साख है बहुत बड़े बाला खाने दे अंदर दरवाजियां नूं ताले लगे ते अंदर लेटे है। हुण ए नबी दा यार ताला खोलदा जा रहे है नाल ताला अंदरों मारदा भी जा रहे है। ताले खोलदा जा रहे है दरवाजे खोलदा जा रहे है और इंदे करीब जांदा जा रहे है। ताला क्यों मार रहे है? अगर इन्हां जालमां नूं पता भी चल जाए ओ ताले तोड़ दियां मैं इस जालम नूं कतल ते कर देवां। वाह सुभान अल्लाह। जदों एक कॉल पहुंचे है इंदे घर इंदे रूम अंदर दाखिल होया है ते अंधेरा ही अंधेरा है। हुण जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने अतीक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने हुण मैनूं पता नहीं कि किथे जालम लेटे है। आंदा मैं आवाज लगाई इस अंदाज नाल ताकि नूं पता चले कोई दरबान है। मैं आखिया अबू राफे ये आवाज लगांदा है कौन है? जदों इन्हें आवाज लगाई कौन है? ये नबी दा यार चीते दी तरह शेर दी तरह आगे बढ़े है। इन्दे ते हमला कीता है। इन्हें चीख मारी है दरवाजे तो रूम तो बाहर निकले है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जदों अंदर आया जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने अतीक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं फिर आवाज लगाई अबू राफे की बने है? अल्लाह अकबर कबीरा। इस अंदाज नाल होर बदलिया। मैं पूछना वा अबू राफे कादी चीख ए? आंदा तेरी मां तेनू गुम पाए और तू नहीं वेखिया कोई मेरे ते हमला कर गया? जदों इन्हें फिर आवाज लगाई है नबी दे यार ने फिर बढ़ के देते हमला कीता है। अब्दुल्लाह इब्ने अतीक आंदे ने मैनू पता चलिया कि अजे जालम कतल नहीं होया। जदों तीसरी दफा मैं इन्दे सीने चढ़ गया वा सीने चढ़ के तलवार इन्दे सीने रखी है ते आर ते पार कर दीती है। हुण जल्दी मैं वापस मुड़िया वा सीढ़ियां नीचे उतरदा जा रहा वा। आंदे ने मैनू ए ख्याल आया कि सीढ़ियां खत्म हो गई ते जमीन हमवार आ गई है। जदों मैं अपना वजन डालिया है मेरा पाँव फिसलिया ते पिंडली टुट जांदी है। एक पाँव दी पिंडली टुट गई बड़ी दर्द हो रही। मैं साफा वलिया अपने यारां नूं ले आए। हुण दौड़े नहीं बल्कि किले दे दरवाजे ते बह जांदे ने। आंदे ने मैं इस वजह तो बैठिया उन्नी देर तक मैं नहीं जावांगा जब तक मैनू पक्का इलम ना हो जाए नबी दा गुस्ताख मरिया के नहीं। नबी दा गुस्ताख मरिया के नहीं। आंदे ने जदों सुबह होई है अल्लाह अकबर कबीरा जिथे मुर्ग बोल रहे ने एक आदमी किले दे टीले ते चढ़े है। उन्हें ए ऐलान कीता है ओ किले वाले और रात नू अबे राफे नू कोई कतल कर गया है। नबी दे यारां दे चेहरे ते तबस्सम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल लौटे जदों आप अली सलाम कोल गए ने सहाबी दी लत टुट जांदी है। अल्लाह अकबर कबीरा सारा मार का दसे है मेरे तुहाडे महबूब नबी ने फरमाया मेरे परवाने अपनी इधर अल्लाह तो सिद्धी तो करना वेख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह पाक ने कैसे कैसे मौजदे दिते ने। और मुहब्बत करने वाले हो अपने पैगंबर अली सलातो व सलाम दिया अल्लाह पाक दे नाल मुहब्बतां भी वेखिया करो अल्लाह ने कैसे मौजदे दिते ने। आका अली सलाम फरमांदे ने सोने अदर अपना पाँव ते आगे करना मेरे नबी ने जिथे पिंडली टुटी है आप अली सलाम ने अपने दस्ते मुबारक नो इंज उस टुटी हुई पिंडली ते लगाया। नबी दा यार कहंदा सरकार दा हाथ लगन दी देर मेरियां दर्दां इंज दूर हो गईयां ने मेरी पिंडली इंज सही हो गई है जिवें कदी टुटी नहीं।
अल्लाह अकबर कबीरा इत्थे भी पैगंबर दे गुस्ताख नूं मार दिता गया है। और टाइम हो गया, जरा एक होर गल सुने जे अबू लाहब है ना, ये भी नबी दा गुस्ताख है। इनके दो बेटे उतबा उतैबा, इन्होंने नबी पाक सलम दियां बेटियां ना अजे रुचती नहीं हुई ते तकलीफां दित्तियां कि असी छड़ दित्तियां, तलाकां दे छड़ियां ने। अगली गल बल्कि उतैबा जालम आगे बढ़दा, इन्हें सुने नबी ते थुकन की जसारत की है, मेरे रब ने सुने नबी नू बचाया। अल्लाह अकबर कबीरा, अकाली सलाम ने बद्दुआ दी है, अल्लाह इस जालम ते कुत्तियां दे विचों एक कुत्ता मुसलत कर दे, ए मेरा गुस्ताख है। हुण जदों अबू लाहब नू पता चलिया, डरदा फिरदा अपने पुत्र नू बचांदा, इंदा भी यकीन है, आंदा मैनूं डर लगदा है नबी दी बद्दुआ लग गई है मेरे पुत्र नू। बिल आखरे मुल्के शाम वल जा रहे ने, रस्ते अंदर पड़ाओ कीता, इन्हें अपने हवारियां नू कहा मेरे पुत्र उतैबा दा ख्याल रखे आजे, मैनूं डर लगदा नबी दी बद्दुआ इंदे ते लगी है। इन्होंने एक बहुत बड़ा खैमा बना दिता है, इर्दा गिर्द ऊंट बटा दिते ने, ऊंट बटा के उतैबा नू उपर इनू सला दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो सारे सौ गए लेकिन इन्हों जालमा नू नहीं पता, इन्ना कफीना कल मुस्तहज़ीन, रब बदले लैंदा गुस्ताखां दे। अल्लाह अकबर कबीरा, और जंगल के दरिंदियां दे विच एक शेर आया, ऐसा दरिंदा आया जिहड़ा नबी नाल प्यार करन वाला, और जानवर भी सरकार नाल प्यार करन। ये शेर आया, ये सारियां दे मुंह सुंग रहे है कि किन्दे मुंह अंदर नबी दी गुस्ताखी दी बू आ रही है। बिल आखर जो ऊपर टीले ते ए उतैबा लेटे है, शेर ने छलांग लगाई ते इंदे सीने चढ़ गया, ये जालम दे मुंह दे अंदर पैगंबरे कायनात दी गुस्ताखी दी बदबू आ रही है। शेर ने नू चीर के फाड़ के रख दिता है, और दसिया दुनिया दे लोगो ये सरकार कोई आम हस्ती नहीं, इन्हां दियां हिफाजतां रब कर रहे है, इन्हां दियां हिफाजतां जानवर कर रहे ने। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुस्ताख आज भी मुर्दाबाद है, और अल्लाह दी पकड़ आउनी आउनी है, कल भी मुर्दाबाद है। ओ सड़ जाए ज़बान उस गुस्ताख नकारे दी, करदा ए तोहीन जेड़ा अहमद प्यारे दी, लानत तमामी उस ते रब जबारे दी, न मिल सी आखर औंतराई जावना, पीर हकानी दसे खाब सुहावना। और कैसा मेरा तुहाडा मुर्शद है, चन्न ते सूरज दिस दे हुसन ते नजूल दे, चन्न ते सूरज दिस दे हुसन ते नजूल दे, फरिश्ते भी जिसदा नाई हुक्म उदूल दे, लखां सलाम होवन अल्लाह दे रसूल ते, करोड़ां सलाम होवन रब दे रसूल ते, रौज़ाए रसूल चाती राज राज पावना, पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। अल्लाह पाक कल कयामत वाले दिन सोने नबी दे हत्थों जामे कौसर नसीब फरमाए, अल्लाह पाक सोने नबी पाक सलम दी रफाकत नसीब फरमाए। जो जालम लोग इस्लाम नबी पाक सलम दे दुश्मन ने, अल्लाह उन्हें ज़लीलो ख़ार फरमाए, तबाह बर्बाद फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।